आप एक लिमिटेड ही मेमोरी वहाँ पे ले जा पाओगे मेमोराइज करके। ऐसा नहीं है कि 4 एग्जाम्पल और मिल गए, फिर क्या होगा, आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी, जो पहले रिवाइज किए हुए थे वो भी स्किप आउट होने लग जाएंगे और जो नया लिखा है वो तो साथ जाएगा ही नहीं। साथ जाने का मतलब है एग्जामिनेशन हॉल तक जाने के लिए, तो पुराना एग्जाम्पल आप ओमिट करके, डिलीट करके या रिमूव करके नया एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। जैसे हम कई बार, जैसे एसएचजी का ही हमने डेफिनेशन लिया, हमने पहले फर्स्ट गो में डेफिनेशन बनाया और वो 4 लाइन का डेफिनेशन बना था, ठीक है, मैंने इसी को याद किया, रिवाइज किया, इसी को समझा है। कहीं मुझे मिल गया कि 3 लाइन का डेफिनेशन है और कहीं मुझे मिला 1 लाइन और एक्स्ट्रा मिल रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या आप 1 लाइन एक्स्ट्रा कर देंगे या वो 2 लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे? तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज ये 4 को हटा के 2 का लिख देती थी और ये 4 को भूल गई फॉर एवर, क्योंकि जितना नोट्स कम होगा उतना बेटर है। तो मैं नोट्स में तभी ऐड करती थी अगर मेरा नोट्स कम हो रहा है, नोट्स में तब नहीं ऐड करती थी अगर नोट्स बढ़ रहा है।